तो बच्चों हम पढ़ेंगे अहमद हसन दानी कौन थे। वो एक पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट थे हु इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट अथॉरिटीज़ ऑन साउथ एशियन आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी जो कि फोरमोस्ट अथॉरिटीज़ यानी जो जनूबी एशिया की आर्कियोलॉजी और तारीख जिन्होंने पढ़ी थी और उसके बारे में डिस्कवर किया था। ये फर्स्ट मुस्लिम थे जो ग्रेजुएट हुए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। दानी वर्क ऑन मोहनजोदड़ो एक्सकवेशन 1940, यानी इन्होंने वर्क किया था मोहनजोदड़ो में 1940 में, किसके साथ? मोर्टिमर व्हीलर के साथ। सो नाउ स्टूडेंट्स, द इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडस रिवर दरिया सिंध जो है जिसे कहा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जनूबी एशिया यानी सब कॉन्टिनेंट का। इट ओरिजिनेट्स इन द टिबेटन प्लेट्यू फ्रॉम लेक मानसरोवर, यानी ये क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? टिबेटन प्लेट्यू से लेकर फ्रॉम लेक मानसरोवर से होता हुआ इसका जो पानी है वो कहाँ जाता है? लद्दाख। इट रन्स थ्रू लद्दाख, यानी वहाँ से बहता है और फिर मर्ज हो जाता है जाकर अरेबियन सी यानी बहरी अरब में जो कि कराची में मौजूद है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 3180 किलोमीटर्स है एंड मोर देन 800 नॉन इंडस वैली, यानी 800 से ज़्यादा जो हम इंडस वैली जो वादी जो इंडस वैलीज़ की जो साइड हैं जो डिस्कवर्ड हो चुकी थी किसके साथ, यानी इंडस रिवर यानी सिंध का जो रिवर है वहाँ से और उसकी इट्स ट्रेबिटरीज़ यानी उनकी जो रिवर की इंडस रिवर की जो शाखें होती हैं उनके साथ। सो स्टूडेंट यू कैन सी दैट क्या आपको मालूम है जो कुछ जो मेजर साइट्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की यानी वादी सिंध तहजीब की वो मोस्टली डिस्कवर्ड हुई हैं पाकिस्तान में और कौन कौन से सूबों में? सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा में।